अभी तक तो मेरे नेकियों का पर्रा भारी था, मेरा आमाल वजनी था, अब कैसे घट गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, तेरा आमाल वजनी था, नेकियां भारी थी, लेकिन एक मर्तबा तूने अपनी माँ को उफ कह दिया था, ओह कर दिया था, फरिश्ते ने उसको कागज के टुकड़े पे लिख लिया था, उसी टुकड़े को डाल दिया गया है, इसीलिए तू जहन्नम का हकदार हो गया है। अब फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर चलेंगे तो उसके साथ में उसके माँ बाप जहन्नम में जाएंगे। ये कहेगा परवरदिगारे आलम, मुझे बुला ले वापस अपनी बारगाह में, तुझसे कुछ मैं सवाल करना चाहता हूं। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसको ले आएगा, क्या बात है। तो वो शख्स कहेगा परवरदिगारे आलम, मैं अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे माँ बाप भी जा रहे हैं। अरे मौला, तू मेरे माँ बाप को गुनाह मुझे दे दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे, आखिर मैं जहन्नम हूं, जो इनका गुनाह है वो मुझे दे दे और जहन्नम का भारी से भारी अदाब मुझे अता फरमा दे। और रब की रहमत मुस्कुराएगी, फरिश्तों ठहर जाओ, ये जन्नती हो गया, इसलिए कि इसने यहाँ भी एक ऐसा अमल कर दिया है जिस पे मेरी रहमतों को गुमान और नाज हो गया है। ये शख्स अब अपने आमाल में नेकियों के पल्ले भारी हो जाएगा, तो वो सब जन्नती हो जाएगा के मैदान में, जबकि वहां किसी का कोई पुरसाने हवाल न हो। इसीलिए याद रखो, जिसके माँ बाप या दोनों में से एक जिंदा है, कभी गलत कदम न उठाना। सरकार फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे माँ बाप में आपस में झगड़ा हो जाए दोनों, तो तुम लोग यानी औलाद को चाहिए कि किसी की तरफ ना बोले, ना अम्मा की तरफ ना पप्पा की तरफ, तीसरे को लेकर और कहे मेरे माँ बाप में झगड़ा हो रहा है, समझा दीजिए, इसका असर बुरा पड़ता है। ये सरकार ने फरमाया है। और अगर माँ बाप दोनों साथ में पानी मांग रहे तो हुक्म ये है कि पानी पहले माँ को दिया जाएगा और बाप को बाद में दिया जाएगा। लेकिन दोनों पैसा मांग रहे रुपया, तो अगर आपके पास 100 रुपया है तो माँ को सिर्फ आप 25 देंगे और 75 देंगे बाप को, इसलिए कि बाप के सामने जिम्मेदारियां और माँ के सामने सिर्फ जरूरत होगी, इसीलिए बाप को 75 और माँ को 25 दिया जाएगा। ये सब इस्लाम ने बता दिया है, सुभान अल्लाह, हमारे मजहब ने सब आया फरमा दिया है, खोल के रख दिया है कि ऐसा ऐसा तुम्हें अपनी जिंदगी अपना जीवन बिताना है। और जिसके माँ बाप इंतकाल कर जाए, अब क्या करना है। सरकार फरमाते हैं कि हर जुमेरात या जुमा को उनकी कब्र पे जाओ और फातिहा पढ़ो, उनके नाम एहसाले सवाब करते रहो, जो नमाज नफल पढ़ो नमाजें पढ़ो, तो नमाज के आखिर में कहो परवरदिगारे आलम इसे कबूल फरमा, इसका सवाब मेरे माँ बाप को अता फरमा। और जिस नमाज में उसकी दुआ में अपने माँ बाप को याद न किया जाए वो नमाज कामिल नहीं होती है। इमाम आजमा बोनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके हम लोग मुकल्लिद हैं, हमारे वो इमाम हैं, उनकी शान ये थी कि उनकी एक बूढ़ी माँ थी, और जब उन्हें कोई मसला मालूम करना होता था तो अपने बेटे इमाम आजम नहीं पूछती थी, इमाम आजम नहीं पूछती थी, बल्कि उस कूफा में बहुत बड़े फकीह थे उनके पास वो जाती थी और मसला मालूम करती थी। इमाम आजम बुनिफा रहमतुल्लाह ताला अलैह उनको ऊंट पे सवार फरमाते थे और नकील पकड़ के चलते थे और जा करके वहाँ मसला मालूम करती थी।
इमाम आदम फरमाते हैं बसा औकात वो मसला जो मेरी माँ पूछना चाहती थी वो उन मुहद्दिस साहब को मालूम नहीं होता था, और मेरी माँ ऊंचा सुनती थी तो मेरे मुंह के करीब अपने कान को करके और मसला मुझसे पूछ करके मेरी माँ को बता दिया करते थे। तो कहते हैं ये अमल जिंदगी भर मेरी माँ करती रही, लेकिन मैंने कभी माँ से ये नहीं कहा कि ये माँ जो मसला कहाँ पूछती है वो मैं ही तो बताता हूँ। कहा आदम ने, मैंने ये नहीं कहा, हालांकि इमाम आदम ही बताते थे मसले को अक्सर। तो ये है माँ बाप की अदब का वाकिया और उनका ये मसला। और सरकार ने एक वाकिया और बयान फरमाया है, वो गालिबन आपने सुना होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, उन्हीं जमाने का वाकिया है कि कुवे तूर पे आपने कहा था परवरदिगार आलम जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, मेरा पड़ोसी कौन होगा। रब ने इशात माया है मूसा जाओ फला शहर में, फला नाम का एक कसाई है जो गोश्त बेचता है, वो जन्नत में तुम्हारे साथ रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से तशरीफ लाए।